मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। दोस्तों, मेरा जो चैनल है स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड, जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ एजुकेशन के हर टॉपिक को इंक्लूड करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। देखिए, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बिने साइमन स्केल का ही संशोधित रूप है। तो इंटेलिजेंस में कुछ फेमस टेस्ट्स हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि इंटेलिजेंस में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वेस्लर का टेस्ट। वेस्लर ने दो टेस्ट बनाए हैं, एक एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जिसे जाना जाता है WIAS के नाम से, यानी वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हम इसे कहते हैं। दूसरा है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन जिसे हम जानते हैं WISC के नाम से, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चारों टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, यानी कि बिने साइमन स्केल का ही संशोधित रूप है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। तो ये एक इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक के व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया जाने वाला बुद्धि परीक्षण है जिसको रिवाइज किया गया। ओरिजिनल बिने साइमन स्केल जो थी उसको रिवाइज किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, लिविस एम टर्मन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस बिने साइमन स्केल को रिवाइज किया था। तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल को करने से पहले हम देखते हैं कि बिने साइमन स्केल क्या है। देखिए, व्यक्तिगत परीक्षा का के सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बिने को जाता है। बिने ने इस कार्य को करने में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता ली। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद सन 1905 में एक सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था जिसे बिने साइमन बुद्धि स्केल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसे सन 1908 में और फिर सन 1911 में परिवर्तित करके इसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया। तो कई बार क्वेश्चन जो है नेट में, सीटेट में भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो है दोबारा इसको कब संशोधित किया, तो बिने ने ही इसको संशोधित किया था सबसे पहले 1908 में। और 1908 में जब संशोधित किया गया तो इसमें इन्होंने क्या इसके अंदर ऐड किया था, तो इन्होंने इसमें मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ऐड किया था। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को इसमें शामिल किया गया था। इसके पश्चात उन्होंने दोबारा इसको 1911 में परिवर्तित करके इसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया। तो बिने साइमन स्केल जो है 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये स्केल बनाया गया था, तो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। तो बिने साइमन स्केल को जब संशोधित किया गया तो इसे जाना गया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, जो कि संशोधन जो रिवाइज किया गया, इसको संशोधित किया गया था लिविस एम टर्मन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल जो है अभी उसका 5th एडिशन रिलीज हो चुका है, जो जाना जाता है SB5 रिलीज हो चुका है, जो कि 2003 में रिलीज हुआ है। तो ये एक इट इज़ अ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट दैट इज यूज टू डायग्नोज डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज इन यंग चिल्ड्रन। तो ये एक सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है जो कि यंग चिल्ड्रंस में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज हैं, जो कि बौद्धिक डेफिशिएंसीज हैं, उनको डायग्नोज करता है। द
टेस्ट मेजर्स फाइव वेटेड फैक्टर्स। द फाइव वेटेड फैक्टर्स बीइंग टेस्टेड आर, देखिए ये जो टेस्ट है ये पांच मेजर फैक्टर्स को पांच फैक्टर्स को मेजर करता है। कौन कौन से फाइव फैक्टर्स हैं? नॉलेज यानी कि ज्ञान कितना है बच्चे में, क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी गणितीय क्षमता कितनी है, रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग उसका स्थानिक योग्यता को, मेमोरी को उसको मेजर करता है, एंड फ्लूइड रीजनिंग। एक तो आया रीजनिंग और एक है फ्लूइड रीजनिंग। फ्लूइड रीजनिंग का मतलब जो आपकी जन्मजात इननेट रीजनिंग कितनी है, जन्मजात बाय बर्थ आप कितने इंटेलिजेंट है, कितनी तार्किक क्षमता आपकी है, तो उसको भी ये मेजर करता है। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इसका टॉपिक मैंने डिटेल में करवाया है। आई क्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एम ए मेंटल एज एंड सी ए क्रोनोलॉजिकल एज। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि बीने साइमन स्केल का रिवाइज संशोधित रूप है, स्टैनफोर्ड बीने साइमन स्केल, उसमें किस तरह से आईक्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे नीचे हमारे पास आता है 25 एंड बिलो जो आते हैं इडियट्स की कैटेगरी में, 25 से 50 के बीच जिनका आईक्यू होगा वो होंगे इम्बिसाइल्स, 50 टू 70 मोरॉन्स, 70 टू 80 बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, 80 टू 90 बिलो एवरेज, 90 टू 110 नॉर्मल, 110 टू 120 हाई एवरेज, 120 टू 140 सुपीरियर, और 140 एंड अबव जिनका आईक्यू होता है वो आते हैं वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में। देखिए जो मोरॉन्स जिनका आईक्यू 50 टू 70 मोरॉन, इम्बिसाइल और इडियट्स हैं, नीचे की थ्री कैटेगरीज मोरॉन, इम्बिसाइल और इडियट्स, इनको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि मोरॉन्स कौन होते हैं, इम्बिसाइल और इडियट्स, इनको भी आप मेरी आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आईक्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया है। दिस टेस्ट कैन यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए ये जर्नल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। इट कैन यूजफुल फॉर 2 ईयर्स टू सुपीरियर एडल्ट्स अप टू 45 ईयर्स। देखिए इसको यूज किया जा सकता है, इस टेस्ट को 2 साल के बच्चों से लेके 45 साल के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिव है केवल 3 से 15-16 साल के बच्चों के लिए। इट इज़ वेरी इफेक्टिव ओनली टू 16 ईयर्स, मतलब 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। एडल्ट्स के लिए दिस टेस्ट इज़ नॉट एक्यूरेट और सेटिस्फैक्ट्री, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स एडल्ट्स के लिए इसके नहीं आते हैं, ये उनके लिए केवल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ही देता है। तो इफेक्टिव कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? ये 2 से 15-16 साल के बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।